दोस्तों नमस्कार। चुनाव नजदीक है, चुनावी दस्तक नजदीक है और हरियाणा के अंदर 90 विधानसभाओं पर अगले 90 दिनों में चुनाव की तैयारियां पूरे शबाब पर होंगी और इस सब के बीच में राजनीतिक दलों के अंदर नए नए समीकरण बनना, नेताओं का दल परिवर्तन करना, नेताओं का हृदय परिवर्तन होना, ये बहुत नॉर्मल चीज़ें होती हैं। और हमने कई वीडियोज में आपसे चर्चा की है कि राजनीतिक दलों में क्या क्या चल रहा है, क्या हो सकता है। मैंने आपसे एक वीडियो में एक चर्चा की थी, हरियाणा के इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा के बारे में, और मैंने आपसे कहा था कि सूत्र ऐसा बताते हैं लेकिन कई बार राजनीतिक सूत्र जो बताते हैं वो सब फिट भी नहीं हुआ करता। कई बार आंकड़े और जो चुनावी जमा घटा होता है वो कई बार पूरी तरह से प्रभावी भी नहीं होता। मैं आपसे इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा, जो बहुत नजदीक रहे हैं ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवीलाल परिवार के, तीन बार जो इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि चौधरी देवीलाल की परिवार की जो पार्टी उसके टिकट पर विधायक बने, संसदीय सचिव बने, युवा के प्रदेश अध्यक्ष रहे और आजकल जनरल बॉडी के इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मेरी उनसे कल टेलीफोनिक बातचीत हो रही थी। रामपाल माजरा जी कह रहे थे कि जो पिछली बार उनका दल बदल हुआ था यानी कि 2019 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, रामपाल माजरा इंडियन नेशनल लोकदल छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में गए तो थे, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि रामपाल माजरा का जो पॉलिटिकल स्टेटस है, जो उनका राजनीतिक किरदार है, वो अगर कहीं मेल खाता है तो फिर वो इंडियन नेशनल लोकदल है, क्योंकि वो किसान की, पिछड़ों की, इस प्रकार की राजनीति करने वाले नेताओं में शामिल रहे हैं। अगर रामपाल माजरा के बारे में हम बताएं तो डाउन टू अर्थ यानी कि जमीन से जुड़े हुए नेता के रूप में उनकी पहचान रही है। युवाओं के रूप में कभी वो युवा तुर्क के रूप में कार्य करते रहे हैं, लेकिन क्योंकि राजनीति के अंदर हर व्यक्ति सोचता है कि अगला मुकाम जरूर मिले, और लोकसभा चुनाव के बाद आपको मैं बता दूं कि राजनीति हो या समाज, कभी भी कुछ भी हमेशा स्थायी नहीं रहा करता। इंडियन नेशनल लोकदल लोकसभा चुनाव से पहले जहां उनका ग्राफ तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन लोकसभा चुनाव परिणाम के साथ एकदम से ऐसा लगा कि जैसे इनेलो पर फिर ब्रेक लग गई। लेकिन कल यकायक जो घटनाक्रम एक और चला कि इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की बैठक हुई, उसके बाद में फिर चल पड़ी बात कि क्या हरियाणा में तीसरे मोर्चे की कोई गुंजाइश है। यानी कि राजनीति के अंदर, और चाहे वो फिर समाज का हो और चाहे फिर व्यक्ति का निजी पर्सनल तौर पर हो, सब कुछ स्थायी नहीं हुआ करता। परिवर्तन सृष्टि का नियम है, इसके अंदर बदलाव आते रहते हैं। खैर, मैं आपसे बात कर रहा था रामपाल माजरा की, और मैं आपको बता रहा था कि राजनीति के अंदर लोग सोचते हैं, और ये हमारे सूत्रों ने बताया था कि रामपाल माजरा कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले समय में, क्योंकि राजनीतिक जिस प्रकार सिनेरियो बन रहा है, क्या अपने लिए कोई और सुरक्षित स्थान दे सकते हैं। लेकिन रामपाल माजरा का खुद कहना है कि जो अब उन्होंने फैसला किया यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल में जाने का, अब वो कभी इस फैसले से पलटेंगे नहीं। रामपाल माजरा कहते हैं कि जो स्थिति थी पार्टी छोड़ने वाली 2018 में, उसके पीछे कुछ और कारण थे। केवल राजनीतिक पद प्रतिष्ठा और मर्यादा पाना नहीं, बल्कि उसके पीछे क्योंकि जो परिवार विघटन का शिकार हुआ था और पारिवारिक घटनाक्रम ऐसा चला था, और ये तय बात है कि उसके अंदर खिन होकर के कुछ लोगों ने पार्टी से किनारा भी किया था, रुखसत भी हुए थे। रामपाल माजरा कहते हैं कि जो भविष्य की राजनीति है वो इंडियन नेशनल लोकदल के साथ ही करेंगे। माजरा कहते हैं कि जो भी हुआ पिछले दौर में, यानी कि जो आज से 6 साल पहले हुआ था, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 5.5 साल पहले हुआ था, उस घटनाक्रम को वो अब आगे कभी दोहराना नहीं चाहते। इंडियन नेशनल लोकदल परिवार ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहते हैं पूरा साथ, सहयोग और प्यार भी खूब दिया इस लिहाज से भी, और कई और कारण भी है जिससे वो कहते हैं कि अगला कोई उनके बदलाव का ना कोई मूड है ना कोई इरादा है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि राजनीति के अंदर सब कुछ स्थायी नहीं हुआ करता, और आपकी कही हुई बात हमेशा वो ठीक होगी, उसके अंदर भी कई बार क्योंकि सूत्र और सोर्स भी गलत हो सकते हैं। तो रामपाल माजरा के बारे में, हालांकि कल भी एक बात चलती रही कि जब अभय सिंह चौटाला मिलने गए बहन मायावती से, कुमारी मायावती से, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो से,
जब उनके साथ रामपाल माजरा, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष है वो नहीं थे, उमेश सिंह लोहान थे, तो चर्चाएं तब भी चली, लेकिन चर्चाएं तो होती ही चलने के लिए हैं। रामपाल माजरा ने आज सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और उसमें कहा इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा के अंदर एक नई ऊंचाई और सोपान पर होगा। तो आने वाले समय में किस प्रकार के परिवर्तन होंगे, क्या बदलाव होंगे, क्या कुछ चलेगा, इस सब पर नजर रहेगी और आपसे निरंतर चर्चा में रहेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।